कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। बेटमा के प्रसिद्ध स्थानीय बालाजी मंदिर में नगर के सबसे बड़े भंडारे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश गर्ग के निर्देशन में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में भंडारे की विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर प्रभारी नियुक्त किए गए, साथ ही एक दर्जन से अधिक समितियां बनाई गई। इस वर्ष 16 अप्रैल शनिवार को बाबा हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन बाबा का विशेष श्रृंगार कर 56 भोग लगाया जाएगा। मंदिर को विशेष रूप से फूलों से सजाया जाएगा, तो वहीं नगर सहित आसपास के 12 से 15 हजार भक्त इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बालाजी भक्त मंडल एवं श्री राम जानकी गौशाला समिति ने कार्यक्रम को भव्य एवं सफल बनाने की अपील की है। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। बालाजी मंदिर बदीपुरा बेटमा में आगामी दिवस को आने वाले हनुमान जी के जन्मोत्सव के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। कोरोना काल की वजह से पिछले 2 वर्षों से भंडारा नहीं हो रहा था। अब अपूर्व उत्साह के साथ में आज यहाँ बालाजी भक्त मंडल राम जानकी गौ सेवा समिति और अन्य सदस्यों ने जो है मीटिंग इस संबंध में रखी गई। उसमें सर्वानुमति से जो है विभिन्न समितियाँ बनाई गई। हम सारी समितियों के माध्यम से ये भंडारे का प्रसाद बनाकर बेटमा नगर के और आसपास के लगभग 10,000 श्रद्धालुओं को बाबा का प्रसाद वितरण करेंगे और उसमें सेवा देने के लिए, सामग्री इकट्ठी करने के लिए, मतलब विभिन्न प्रकार की जो समितियां होती है वो सारी की सारी आज यहाँ पर बनाई गई है। हमारे सहयोगी उसके अंदर सभी लोगों के साथ में आदरणीय महेश जी जाजू, आदरणीय गोविंद जी दरबार साहब, पवन जी, आदरणीय सुशील खंडेलवाल जी, सुरेश जगताप जी, मान सिंह जी गहलोत जी और शेखर मकवाना जी और जो भी हमारे यहाँ पे भरत जी और जो भी हमारे सहयोगी यहाँ पर आए हैं और कार्यकर्ता बंधु, उनके माध्यम से ये कार्य संपन्न होगा। बाबा हमें आशीर्वाद दे और हमें शक्ति दे कि हम इस कार्य को बिना किसी विघ्न बाधा के हम संपन्न कर पाए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।